यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जय हिंद, मैं राहुल पांडे वेलकम करता हूं आपके अपने रेल रिपोर्टिंग चैनल रेल फैन ब्लॉग्स पर। दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों, हम महमूलापुर रेलवे स्टेशन पर आए हुए हैं और आपको मेरे सामने महमूलापुर रेलवे स्टेशन का साइन बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक छोटी सी जानकारी दूंगा, तो आप लोग दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा। और जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल रेल फैन व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं रेल फैन व्लॉग्स पर, तो उसका मैसेज दोस्तों आप सभी लोगों से मिस ना हो। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो हमारा सेक्शन है ऐसबाग सीतापुर मैलानी, तो दोस्तों इस सेक्शन पर 22 दिसंबर 2021 को जो हमारे NER मंडल के महाप्रबंधक हैं श्री विनय कुमार त्रिपाठी सर, उनका इंस्पेक्शन होगा। तो दोस्तों, जब उनका इंस्पेक्शन होगा तो देखते हैं क्या लखनऊ मैलानी सेक्शन पर और ट्रेन बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। दोस्तों, अगर आप सभी को इसके बारे में मालूम है तो आप लोग दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम अपने सेक्शन पर यानी कि लखनऊ मैलानी सेक्शन पर पहली बार हमारे जो GM हैं उनका इंस्पेक्शन होने जा रहा है। तो देखते हैं इंस्पेक्शन के बाद ट्रेनें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं। दोस्तों, उसकी जानकारी मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग भी हमें अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन से या कहीं भी रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा हो उसकी वीडियो बनाकर भेजना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों आप सभी को वीडियो के शुरुआत में मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9026015641। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमें वीडियो बना करके भेज सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा लखनऊ मैलानी सेक्शन पर 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों का संचालन हो रहा है और लखनऊ सीतापुर सेक्शन पर 1 जोड़ी ट्रेन का संचालन हो रहा है। और दोस्तों, एक गोरखपुर से मैलानी के बीच में एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन हो रहा है, जो कि फ्रेंड्स महमूलापुर रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती। अगर इस ट्रेन को महमूलापुर रेलवे स्टेशन पर स्टॉप दे दिया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को बता दें महमूलापुर रेलवे स्टेशन पर काफ़ी ज़्यादा यात्री गोमती नगर एक्सप्रेस के लिए रुकते हैं, मगर जो गोमती नगर एक्सप्रेस है फ्रेंड्स ये नहीं रुकती। और गोमती नगर एक्सप्रेस के लिए फ्रेंड्स जो हमारे लखीमपुर के पूर्व सांसद हैं जफर अली नकवी जी, उन्होंने भी DRM को पत्र लिखा था, मगर उस पत्र का कुछ भी अभी तक नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, देखते हैं GM सर के इंस्पेक्शन के बाद इस सेक्शन पर ट्रेनें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेगी। जो कुछ भी होगा दोस्तों, मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। दोस्तों, जो डेट निर्धारित की गई है इंस्पेक्शन के लिए लखनऊ से मैलानी के बीच में, उसकी कटिंग मैंने वीडियो के लास्ट में लगा दी, आप लोग वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये रही दोस्तों वो कटिंग। धन्यवाद।